कि क्या सीडैक वर्थ इट है करना। तो यहाँ पे ना अलग अलग चीज़ें हैं। कुछ बंदे हैं जो आईटी फील्ड में स्विच करना चाहते हैं, समझो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हो, सिविल इंजीनियरिंग में हो, पर आपको लग रहा है कि आईटी फ्यूचर है, तो आप इधर 6 महीने की अपनी तगड़ी तैयारी कर सकते हो और इसमें एंट्री मार सकते हो ना, उनके लिए तो वर्थ इट है। पर कब वर्थ इट है पता है? जब आप इनके सेंटर्स होते हैं, अलग अलग जगह इनके सेंटर्स होते हैं, अलग अलग कोर्स कराया जाता है, तो इनके जो टॉप सेंटर्स हैं ना उधर प्लेसमेंट बहुत तगड़ी है। तो अगर आप सीकेट एग्ज़ाम में फोर्थ हो और उधर अपना सेंटर लग जाए और वो 6 महीने में अपनी तगड़ी तैयारी करे, क्योंकि इधर ही सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट आएगी भाई, तो आपका वर्थ इट है। आपने सीकेट एग्ज़ाम उतनी अच्छे से तैयारी नहीं की और आप मतलब अपन मेन इधर क्यों जा रहे हैं कि इधर तगड़ी तैयारी कराते हैं, दूसरी अपना प्लेसमेंट अच्छा होता है, पर अगर प्लेसमेंट बाकी सेंटर्स में उतना नहीं है तो फिर जाके मतलब नहीं है, क्लियर है। तो अगर दूसरे कोई भी ब्रांच वाले हैं जो खुद को अपग्रेड करना चाहते हैं, या फिर करंटली अपने इंजीनियरिंग में कुछ नहीं, अपन ने सीएसके हो भी कि अपन ने इंजीनियरिंग में उतना नहीं सीख पाए, अभी 6 महीने में अपने को तगड़ी तैयारी करनी है, तो आपको जाना चाहिए, समझ रहे हो, वर्थ इट है। पर वो 6 महीने में अपना माइंडसेट होना चाहिए सीखने वाला, इधर अपन टाइम पास नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। क्या टाइम पास थोड़ी करने आया यार, सीखने आया ना अभी तो, मतलब ठीक है 16 साल तक अपन ने टाइम पास किया, मजे किए, लेकिन अभी तो 6 महीने में पूरी तगड़ी तैयारी करते हैं। उसी के साथ साथ नॉन आईटी के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना जो सीकेट की प्रिपरेशन करते हैं, वो सी प्रोग्रामिंग और ऊप्स के कॉन्सेप्ट हैं इनको बता देते, बोलते मैं तो यहाँ का नहीं हूँ तो मेरे को जमेगा नहीं। देखो भाई, कोई सब्जेक्ट हार्ड और ईजी नहीं होता, उस सब्जेक्ट की टीचर मैटर करती है। पता है अपने फेवरेट सब्जेक्ट किस तरह से होते थे, कि इसकी टीचर अपने को बहुत अच्छा सिखा दिया तो अपना वो फेवरेट सब्जेक्ट। तो अपन इंजीनियर है या फिर अपना माइंडसेट वैसा है, अगर आप बीसीए या एमसीए वाले भी बंदे हो तो अपन स्मार्ट बंदे, अपन ने इतनी पढ़ाई की है तो अपन कुछ भी सीख सकते हैं भाई, समझ रहे हो, अपन उतने होशियार है तो कोई भी चीज़ आएगी ना तो उसमें ऐसा मत बोलोगे अरे ये तो नहीं, हम सीख सकते हैं। और अगर आप इसके सीकेट की प्रिपरेशन में इसको छोड़ रहे हो तो भाई देखो 6 महीने में वही चीज़ें कराने वाला, तो पूरा आईटी सीखने वाला, तो अभी क्यों छोड़ रहे हैं? तो मेन अपनी पूरी फोकस और अपनी पूरी तगड़ी तैयारी सीकेट के प्रिपरेशन में डाल, इतना क्लियर है, क्योंकि ये चीज़ अगले 6 महीने तो करने वाला और बहुत तगड़ी का तैयारी, इतना क्लियर है। तो ये माइंडसेट ये होना चाहिए कि अभी सीखना है भाई, अभी ये जज नहीं करना है कि नहीं मैं नहीं अपन तो नहीं, अभी सीखना है, इतना क्लियर है। उसी के साथ साथ वर्थ इट है, अच्छे सेंटर में लग जाओगे और सीखने की चाहत है तो वर्थ इट है, लेकिन अगर सेंटर उतना तगड़ा नहीं है तो फिर मैं चाहूँगा कि नहीं, आप अगली बार वापस अच्छे सीकेट की प्रिपरेशन करो, अच्छे सेंटर में जाओ और अच्छा प्लेसमेंट आएगा तो उतना वर्थ इट है।